स्किनर से संबंधित टॉप 25 प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न पहला है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम वुंड, क्लार्क हल, कार्ल लेथले, टॉलमैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लार्क हल ने। प्रश्न दूसरा, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2। प्रश्न तीसरा, पुनर्बलन की अवधारणा दी गई कोहलर, टोलमैन, स्किनर, क्लार्क हल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, स्किनर। प्रश्न चौथा, स्किनर ने सकारात्मक पुनर्बलन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 भागों में। पांचवा, प्राथमिक पुनर्बलन नहीं है। ध्यान देना क्या पूछ रहे इसमें, नहीं है। भोजन, प्रशंसा, पानी, नींद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशंसा। प्रश्न छह, विपरीत उद्दीपक को रोकने, हटाने या टालने के लिए की गई क्रिया कहलाती है। सकारात्मक पुनर्बलन, प्राथमिक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नकारात्मक पुनर्बलन। प्रश्न सात, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है अनुक्रिया अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपक उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुक्रिया उद्दीपक। प्रश्न आठ, ऐसी प्रविधि जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए धीरे धीरे पुनर्बलन दिया जाता है क्रमिक सन्निकट, प्रतिवादी अनुक्रिया, प्रसूत अनुक्रिया, अनुपात पुनर्बलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रमिक सन्निकट। प्रश्न नौ, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है अनुकरण तथा पुनर्बलन, व्याकरण में प्रशिक्षण, अंतर्निहित योग्यताएं, परिपक्वता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुकरण तथा पुनर्बलन। प्रश्न दस, क्रिया प्रसूत सहचार्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? पुनर्बल, शिक्षक वातावरण, क्रमबद्धता, विचारों की विलोमीयता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुनर्बल। प्रश्न 11, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है अनुकूलित अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। प्रश्न 12, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है अधिक उपयोगी, प्रभावपूर्ण, संक्रियात्मक, प्रभावहीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभावहीन। प्रश्न 13, पावलोव तथा स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, प्रकार्यवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, व्यवहारवाद। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न 14, स्किनर ने क्रिया प्रसूत संबंधी प्रयोग किस पर किया? बिल्ली तथा कुत्ते पर, चूहे तथा कबूतर पर, चूहे और कुत्ते पर, बंदर और मुर्गी पर। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। इसका राइट आंसर है चूहे और कबूतर पर। प्रश्न 15, जब भी विद्यार्थी सही अनुक्रिया करेगा तो वह पाएगा
पुरस्कार, अभिप्रेरणा, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुनर्बलन। प्रश्न 16, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने दे, विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, परिवर्ती को रोचक बनाया जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परिवर्ती को रोचक बनाया जाए। प्रश्न 17, पुनर्बलन की अनुसूची को दर्शाने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। स्किनर, क्लार्क हल, पावलोव, थार्नडाइक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर है स्किनर। प्रश्न 18, कुछ अनुक्रिया पर दिया गया पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंशिक पुनर्बलन। प्रश्न 19, वे उद्दीपक जो प्राणी में उद्दीपक को प्राप्त करने तथा उनका उपभोग करने की क्रिया स्वचालित रूप से उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं, एषणात्मक, विकर्षणात्मक, आदतजन्य, चयनात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एषणात्मक। प्रश्न 20, वे उद्दीपक जिनसे पीड़ा का अनुभव होता है और प्राणी इनसे स्वयं को बचाने का प्रयास करता है, क्या कहलाते हैं, विकर्षणात्मक, आदतजन्य, चयनात्मक, एषणात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकर्षणात्मक। प्रश्न 21, स्किनेरियन संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार एक नकारात्मक सुदृढ़ीकरण है, सजा के अलावा कुछ नहीं, एक बायोफीडबैक, एक सकारात्मक पुनर्निवेशक को वापस लेना या हटाना, एक सहज बहाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक सकारात्मक पुनर्निवेशक को वापस लेना या हटाना। प्रश्न 22, एक लाल बटन के साथ एक खरगोश पिंजरे में है, भले ही खरगोश बटन के साथ कैसे भी इंटरैक्ट करता हो, ट्रैप डोर हर 20 मिनट में एक फूड पैलेट छोड़ता है, इस सुदृढ़ीकरण अनुसूची डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, चर अंतराल, चर अनुपात, निश्चित अंतराल, निश्चित अनुपात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निश्चित अंतराल। प्रश्न 23, सुदृढ़ीकरण के दो व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं, निरंतर और रुक रुक कर, स्थिर और यादृच्छिक, प्राथमिक और माध्यमिक, निहित और स्पष्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निरंतर और रुक रुक कर। प्रश्न 24, अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंध, सहकालिक अनुबंध, ऐच्छिक अनुबंध, सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहकालिक अनुबंध। प्रश्न 25, क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक, सामाजिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऐच्छिक। ये रहा आज का टॉप 25 स्किनर से रिलेटेड प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।